बचपन में कभी ना कभी तुमने लकी मैन तो देखा होगा जो कि हंगामा पे आता था। तो हाँ, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि लकी मैन भाई हमेशा मुंह खुला रख के क्यों हंसता है, ये इसका क्या मिस्ट्री है, आज की इस वाले वीडियो में बात करेंगे। एंड ये क्यों स्टॉप हो गया इसके ऊपर बात करेंगे, एंड इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे इंडिया के अंदर, और इंडिया में ये क्यों स्टॉप हो गया। देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि मेन में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि बहुत सारे लोगों का मन में डाउट रहता है कि लकी मैन स्टॉप क्यों हो गया इंडिया के अंदर। सो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हो AGAnime मैन। चलिए आज की इस बार वीडियो को शुरू करते हैं, वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट हम बात करते हैं लकी मैन के क्रिएटर के बारे में, जिनका नाम है हिरोशी गामो, और इनका जन्म हुआ था 1962 यानी कि 1962 में 17 अगस्त को शायद से। एंड इनको बचपन से ही मांगा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एनिमेशन के कैटेगरी में यानी कि स्टोरी लाइन पे उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड उन्होंने 23 या 24 साल में भाई बहुत सारे मांगा बना लिए थे, बहुत सारे काम कर लिए थे। फिर उन्होंने बनाया तोतेमो लकी मैन, इन्हें पहले ये मांगा सीरीज करके आया था ये। एंड तोतेमो का मीनिंग है एब्सोल्युटली, एंड जो कि बहुत तगड़ी बात है कि भाई ऐसे हिरोशी गामो सर ने भाई लकी मैन को बनाया था। एंड उस समय में बहुत सी कम जो मांगा थे वो एनिमेट होते थे, बट लकीली जो हमारा लकी मैन है वो भी एनिमेशन में आया था। एंड इसका भी एक 50 सीरीज वाला एक सीरीज बनाया गया था। एंड इसका जो मांगा है वो उसका एंडिंग थोड़ा सा अलग है, यानी कि मांगा चल रहा था और उसके बीच में ही जो है तोतेमो लकी मैन यानी कि लकी मैन को जो एनिमेशन है उसको बंद कर दिया है, यानी कि सो लकी मैन का जो लास्ट एपिसोड है यानी कि 50 नंबर जो एपिसोड है वो हिंदी डबिंग के अंदर इंडिया में एयर हो चुका है। एंड इसका जो नाम है वो है लास्ट बैटल द स्ट्रॉन्गेस्ट कंबाइन पावर, ऐसा कुछ इस एपिसोड का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये लास्ट एपिसोड था, यानी ये लिटरली मैं हिंदी डबिंग के अंदर इंडिया में आया था, शायद से हमने देखा था मुझे याद नहीं है, बट मैंने ये जो लास्ट बैटल है मैंने देखा था, मुझे लकी मैन लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड अब बात करते हैं कि ये इंडिया में स्टॉप क्यों हो गया या फिर इसका मेन रीज़न क्या है। तो आपको पता पड़ चुका होगा कि इंडिया में ये स्टॉप क्यों हो गया, ये स्टॉप नहीं हुआ है, इसको प्रॉपर तरीके से एंड किया गया है, यानी कि इसका लास्ट एपिसोड जो है उसको दिखाया गया है एंड इसको प्रॉपर तरीके से एंड किया गया है, यानी कि इसको स्टॉप नहीं किया है। यानी कि मान लो 50 एपिसोड दिखाए, यानी कि 25 एपिसोड दिखाए या फिर 30 एपिसोड दिखाए या फिर 40 एपिसोड दिखाए, उसके बाद बंद कर दिया तो उसे हम बंद करना बोलेंगे, बट अगर उसको प्रॉपर एक आप एंडिंग देते हो तो आप बोल सकते हो कि भाई वो एंडिंग है। और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस था, बट जो एनिमेशन सीरीज है वो फिर से कंटिन्यू नहीं हुआ बिकॉज ऑफ जापान में शायद से इसका जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम था, यानी कि इसको बहुत सारे लोग नहीं देखते थे, क्योंकि जापान में सभी लोग मांगा को पढ़ना ही प्रेफर करते, वो सब भाई पढ़ाकू लोग हैं सभी लोग, सो वो जापान में सब लोग मांगा को ही पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमे देखने को। सो हाँ गाइस, यही बात है कि ये इंडिया में स्टॉप नहीं हुआ था, इसको प्रॉपर तरीके से एंड किया गया था। है ना, बात करते हैं इसका स्माइल मिस्ट्री के बारे में, यानी कि लकी मैन हमेशा मुंह खुला करके क्यों हंसता है, वो तो भाई ऐसे मुंह बंद रख के भी बात कर सकता है या फिर उसका मुंह हमेशा खुला क्यों रहता है। देखिए क्योंकि आप मेन जो कैरेक्टर है उनके मुंह हमेशा खुले रहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कैरेक्टर का कम है, बट लकी मैन का जो है हमारा छुआना उसका मुंह बहुत ज़्यादा खुला होता है, ऐसा क्यों है। सो भाई इसका मेन रीज़न जो है वो है भाई किसी को नहीं पता, क्योंकि जो हमारे हिरोशी गामो सर है उन्होंने ये रिवील नहीं किया इसका मुंह क्यों खुला रहता है, या फिर एनिमेशन स्टूडियो जिसने ये प्रोडक्शन किया है उसने भी नहीं बताया कि हम ये मुंह क्यों खुला रखते हैं। बस जो रीज़न है वो है भाई ये 1994 में एनिमेट हुआ था, यानी कि बहुत सालों पहले ये एनिमेट हुआ था, तभी के दिनों में इतना डिजिटली काम नहीं होता था, यानी कि कंप्यूटर से आप इतना हाई क्वालिटी एनिमेशन नहीं बना पाते थे, आपको सब कुछ एक पेपर में बनाना पड़ता था फिर उसको एनिमेट करना पड़ता, जो कि बहुत ज़्यादा भाई हार्डवर्क वाला काम है। इसलिए अगर हम मुंह को खुला रखते, देखो मुंह को मूवमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा फटती है लोगों की एनिमेशन में, ऐसे इस वजह से ऐसा हो सकता है कि इसका मुंह को खुला रखते हैं, क्योंकि भाई अगर मुंह को थोड़ा सा मूवमेंट कम करना होगा तो उनका काम भी कम होगा और एपिसोड भी वो ज़्यादा बना पाएंगे। बट जो भी हो, और इसका जो सेकेंड रीज़न है वो बोल रहे कि जापान में उतना ज़्यादा फेमस नहीं था, एंड जो इसको यूनिक सा एक लुक देने के लिए, यानी कि एक यूनिक सा अलग पर्सनैलिटी करने के लिए या फिर इसको सबसे अलग करने के लिए इसका मुंह को खुला रखते हैं। भाई जो भी हो रीज़न, मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न होने वाला है, बट इंडिया में हमने इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, ऐसे मुंह खुला रख के हमें मज़ा आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड आपने अगर लकी मैन देखा है तो आपको लकी मैन अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे
भाई मैं पर्सनली लकी मैन का बहुत ज़्यादा फैन, फेवरेट, बहुत ही बड़ा वाला फैन हूँ, क्योंकि लकी मैन मैं बहुत ज़्यादा देखता था पहले। एंड एक तरह से आप बोल सकते हो मैं इसका एडिक्ट हो गया था, मैं बहुत ही ज़्यादा देखता था लकी मैन लिटरली में। एंड गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, और लकी मैन आपको कैसा लगता है, ये एनिमे आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट में बताना। इसमें मैक्सिमम जो बातें मैंने की है वो मैंने एनिमेशन वाइब साइड से मैंने मतलब इंस्पिरेशन लेके बनाया है, ताकि ये बातें मैं आपके साथ फैला सकूँ। ऐसा नहीं मैं उनका कॉपी करूँ या फिर उनके वीडियो से जो जो मेन मेन टॉपिक है वो नहीं बात करूँ। मैं फुल वीडियो का क्रेडिट उन सर को देना चाहता हूँ। मैक्सिमम जो भाई ऋषा जो उन सर ने किया है उनसे पास से मैंने लिया है, जो कि हिरोशी गामो सर का ये नेम है, इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी चीज़ से मैंने उन सर से ही लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर एनिमेशन वाइब सर। एंड कोशिश करो आप उनके चैनल को जाकर चेक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा, या फिर जो वीडियो उन्होंने मेन वीडियो बनाया है लकी मैन के ऊपर मैं वो वीडियो का लिंक भी देने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर, पीस आउट। Thank you.